तो अब हम एक असाइनमेंट होगी, अब हम एक क्विज जो है वो भी तैयार करते हैं और देखते हैं क्विज कैसे तैयार करना है। उसी तरह हम क्रिएट क्विज, और ये क्विज तैयार होगा जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एप्लीकेशन है जो कोलैबोरेट करेगी माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ, उसके साथ मिलके ये तैयार होगा। तो अभी मेरे पास कोई ऑलरेडी तो फॉर्म इधर नहीं है, न्यू फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू फॉर्म। अब ये मुझे ले जाएगा फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट कॉम के ऊपर, तो ये फॉर्म मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे साइन इन होना पड़ेगा उसी आईडी के साथ जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए। होपफुली मैं पहले से साइन इन होऊंगा, अदरवाइज ये मुझसे दोबारा से यूजर ने पासवर्ड पूछेगा। इंटरनेट की स्पीड जो है वो मेरी थोड़ी सी स्लो मुझे लग रही है शायद। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं जी, फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। साइन इन, इसका मतलब मैं ऑलरेडी साइन इन नहीं था, तो मैंने इसलिए वो यूजर नेम जो है वो आईडी अपना रखा हुआ है। मैं अपना यूजर नेम यहां से कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट किया, पासवर्ड लगा हुआ जी मेरा, और ये मैं लॉगिन हो गया। तो ये फॉर्म्स एप्लीकेशन अनदर एप्लीकेशन है जी, माइक्रोसॉफ्ट टीम और एप्लीकेशन है, लेकिन ये कोलैबोरेशन में सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो टूल्स हैं या एप्लीकेशन हैं ये वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपना नया जो है वो क्विज क्रिएट करेंगे। तो न्यू क्विज को मैं क्लिक कर रहा हूँ, टाइटल दे देते हैं इसका। मैं ऑलरेडी कुछ एक क्विज मैंने शायद यहाँ रखा हुआ है, इसमें नहीं, डेस्कटॉप के ऊपर पीजीसी होम ये क्विज, तो ताकि मुझे कंटेंट जो है वो ऐड करने में आसानी हो। तो इसको मैं क्विज को नाम दे लेता हूँ कोई भी जी, कंटेंट मैं इधर से लूंगा, इसको नाम दे लेते हैं जी हमारे पास चैप्टर 1 क्विज, कोई इसको नाम दे लेते हैं, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दें, जो लिखना चाहें आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दें, और ऐड न्यू। अब आप क्विज के अंदर जो है वो, तो यहाँ आप सेलेक्ट करें कि आप रेडियो बटन यूज करना चाहते हैं, यानी कि वो एमसीक्यूज के लिए जो हम यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड यूज करना चाहते हैं, रेटिंग यूज करना चाहते हैं, तो फिल वगैरह तो मैं इसी को क्लिक करूंगा, ठीक है जी, चॉइस। और यहाँ मैं अपना पहला सवाल जो है वो रखूंगा, ये मैंने सवाल इधर लिखे हुए हैं, WW स्टैंड फॉर ये पहला सवाल, और इसका इसका पहला आंसर ये, इसका दूसरा आंसर ये हो गया जी हमारे पास, और तीसरा इसका ऑप्शन सी जो है ये पेस्ट कर दिया, एक को चौथा ऑप्शन ये, क्योंकि दो थे मैंने दो और ऐड कर दिए, ये चौथा इसका ऑप्शन ऐड कर दिया, ठीक हो गया। इसमें जो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, ये करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप इसको यहाँ क्लिक कर दें, तो ये इसका करेक्ट आंसर मार्क हो गया। उसके बाद आप ऐड न्यू, ठीक है, इसका पॉइंट कितने हैं, इसके 2 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आप रख दें, ठीक है। मल्टीपल आंसर नहीं हो सकते, नहीं तो वो फिर साथ आपके चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी एक से ज्यादा वो क्लिक कर पाएगा, तो इनमें से एक में एक एक वक्त में एक ही सिर्फ क्लिक हो, ठीक है जी, रिक्वायर्ड है, करना लाजमी है। और इसके बाद आप ऐड न्यू करें, दोबारा से चॉइस, और वापस जाएं उधर, और मैं इसको क्लिक दूसरा MCQ ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर दिया जी, उसका आंसर पहला पॉसिबल आंसर, दूसरा पॉसिबल आंसर, दो ऑप्शन मैं और ऐड कर देता हूँ, और ये ऑल ऑफ वापिस, ठीक हो गया। इसमें जो करेक्ट आंसर है 1 city to another city, दो सिटी तो वो आपके पास वैन आ जाएगा, ठीक हो गया, ये विद इन सिटी मैन होता है ये मैन, ये दोनों हो गए ऑलरेडी, उसने इसको 2 नंबर पहले से दे दिए, और ये तो ये हमारे पास प्रीव्यू का देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसे नजर आएगा स्टूडेंट को।
आप इसमें आप 10 MCQ 20 डाल दें, 40 100 डाल दें, आप आपकी मेहनत है, आप बैठ के जितना इसको कर सकते हैं वो करें। बैक करते हैं वापस, और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज अगर आपने चेक करने यहाँ, तो यहाँ आके भी चेक कर सकते हैं, कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ यानी इस एप्लीकेशन में आके आप इसको चेक कर सकते हैं। और हमारे पास ये हो गया शेयर, शेयर के अंदर ये लिंक है, ये लिंक भी आप जो है वो उस चैनल के अंदर जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्विज तैयार हो गया, क्विज हमारा सेव हो चुका है forms.office.com, यानी कि ये अलहदा से इस एप्लीकेशन में सेव है। आप इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ऑनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन। तो सिर्फ ये लिंक जिसको मिलेगा, अगर वो हमारी टीम का हिस्सा है तो वही इसको सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी लोग भी कर सके जिनके पास ये लिंक है, तो फिर आप इसको इस ऑप्शन को चूज़ कर लें और ये लिंक जो है वो आप शेयर कर लें। फिल वक्त हमारा ये फॉर्म सेव हो गया, हमें यहाँ इतना ही सिर्फ काम करना था इसको सेव करने का, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करने की ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखें, जब मैं वापस जाऊंगा, इसको क्रिएट करूंगा क्विज को, जो क्विज के हम प्रोसेस के अंदर थे, तो उधर मैं वो फॉर्म क्रिएट करके आ चुका हूँ, क्विज क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ देखें, अब एक क्विज मुझे यहाँ वो नज़र आ रहा है, चैप्टर वन क्विज, जो कि मैंने उधर फॉर्म्स डॉट के ऊपर जाके लिया। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट, और यहाँ वो मुझसे इसकी कोई डिटेल पूछ रहा है जी कि तमाम स्टूडेंट को 4 इसके पॉइंट हैं, क्योंकि मैंने 2 MCQs दो दो नंबर के दिए हैं, तो वो जस्ट इसको समझने के लिए इंस्ट्रक्शन कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पॉइंट इसके ऑलरेडी वहाँ से तय हो चुके हैं। इसको सेव करना है या असाइन करना है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने असाइनमेंट असाइन की है, क्विज को भी मैं असाइन कर देता हूँ। तो ये तमाम 176 स्टूडेंट्स को जो है, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, उन सबको ये असाइन हो जाएगा।